क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होता? सोचो, क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? एडवेंचर इन इटसेल्फ मींस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एडवेंचर नहीं समझा, प्रॉब्लम से डरते रहे तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगी। ये मत समझे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अरे बहुत आएंगी, बार बार आएगी। क्या होगा? प्रॉब्लम आई, डर गए, ये क्या हो गया? क्या हुआ आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या हुआ ऐसे मोमेंट में? कम हो गई, खत्म हो गई, मर गए। और जैसे उसको एडवेंचर देखा तो क्या हुआ? मजा आ गया, मजा आ रहा है, कुछ करने को है, कुछ ग्रो करने का मौका है। समझ रहे हो? बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है? अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज लाइफ। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट इज डेथ। मौत की जैसी है जिंदगी। कोई प्रॉब्लम आई, सीखूंगा ना, और मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, तब भी सीखूंगा, और इससे बड़ा एडवेंचर और क्या हो सकता है? सोचो, मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे, क्या हो जाओगे अंदर से? सोचो। फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुछ भी हो जाए, कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे पता है सीखते कैसे हैं। जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, उसको सीखना आ गया, वो कुछ भी सीख सकता है। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता? सोचो।